नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का 5वां पाठ षड ऋत्वः किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ये है अभ्यास कार्याणि। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। आपको पता ही है एक पदेन उत्तरत में क्या करते हैं, एक पद से उत्तर देना है। तो पहले हम प्रश्न सूचक शब्दों को देख लेंगे। किम, कस्य, कस्य, कस्मिन, कदा और के। अब पहला प्रश्न है चतुर्षु दिक्षु किम भवति, चारों दिशाओं में क्या होता है। तो चारों दिशाओं में हरियाली होती है, हरितिमा। अगला है वर्षा ऋतो अनंतरम कस्से आगमनम भवति, वर्षा ऋतु के बाद किसका आगमन होता है। शरद ऋतु का, शरद ऋतो। ऋतु का षष्ठी एकवचन ऋतो होता है। कस्से किरणा क्षैतिजवत पतंती, किसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं। भगवान सूर्य की, भगवत सूर्यस्य। कस्मिन ऋतौ प्रकृते वृद्धि भवति, किस ऋतु में प्रकृति की वृद्धि होती है। ये होता है वसंत ऋतु में। आपको पता है ना, वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है, सब जगह रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वसंत ऋतौ। क्योंकि ऋतौ में सप्तमी आ गई तो वसंत की लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये कस्मिन ऋतौ उसके स्थान पर आएगा। कदा अत्यधिकम शीतम भवति, कब अत्यधिक सर्दी होती है। शिशिर ऋतु में होती है, ये तो सबको ही पता है। तो सप्तमी आ जाएगी शिशिर की, शिशिरे। हेमंत ऋतौ शरीरस्य के शांता भवन्ति, हेमंत ऋतु में शरीर के क्या शांत हो जाते हैं। किन की बात कर रहे हैं, दोषों की, दोषः। पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, दोषः। अब है पूर्ण वाक्यन उत्तर। अस्माकं देश कीदृश देश अस्ति, हमारा देश कैसा देश है। अब वैसे तो हम कहें हमारा देश बहुत सुंदर देश है, हमारा देश बहुत से त्योहारों का देश है, हमारा देश बहुत से पुरुषों का देश है, परंतु यहाँ बात इस पाठ से संबंधित हो रही है। तो हमें क्या कहना है, हमारा पाठ और हमारा देश 6 ऋतुओं का देश है, इसलिए हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। तो क्या लिखना है हमें, अस्माकं देश भाग्यशाली अस्ति, भाग्यशाली है। यत, क्योंकि, क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमारे भारत देश में, अस्माकं भारत देशे
षड ऋतुवः भवन्ति, छह ऋतुएं हैं। हमारा देश भाग्यशाली है क्योंकि हमारे भारत देश में छह ऋतुएं होती हैं, या हैं संति भी कह सकते हो। यदा सूर्य उत्तरायणे भवति तदा के ऋतुवः भवन्ति, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब कौन सी ऋतुएं होती हैं। यदा सूर्य उत्तरायणे भवति, यदा सूर्य उत्तरायणे भवति, आप पूर्ण वाक्य में उत्तरत कर रहे हैं तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो यहीं से हमने लिया, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तदा कौन कौन सी ऋतु होती हैं, हमें के स्थान पर बताना है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म च, ऋतव भवन्ति। तब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। वसंत काले किम दृष्ट्वा चित्तं प्रसीदति, वसंत काल में क्या देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अब क्या देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, प्रकृति का सौंदर्य। तो वसंत काले प्रकृते सौंदर्यम, प्रकृते षष्ठी एक वचन है, प्रकृति का सौंदर्यम आगे यहीं से आ जाएगा, दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति। आगे चलते हैं, वर्षा ऋतु केभ्य किम यच्छति, वर्षा ऋतु किन को क्या देती है। वर्षा ऋतु गर्मी से तप्त जो त्रस्त लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको शांति और तृप्ति देती है। तो यही लिखना होगा हमको, वर्षा ऋतु आतपेन, आतपेन का मतलब होता है, आतप होता है गर्मी, गर्मी से तरस्त जनेभ्य, त्रस्त लोगों को, क्योंकि दा के योग में चतुर्थी आती है इसलिए जनेभ्य आया। शांतिम तृप्तिम च यच्छति, शांतिम तृप्तिम च यच्छति। रोगा कथम न आयान्ति, रोग कैसे नहीं आते हैं। ये बात हो रही है शरद ऋतु की, जब शरद ऋतु में गर्म पदार्थ खाते हैं तो उनको खाने से रोग नहीं आते हैं। शरद ऋतु के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये वहीं से बात हो रही है। स्वास्थ्य दृष्टया उष्ण पदार्थानां भक्षणेन रोगा न आयान्ति,
अब देखिए, ये है स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्म पदार्थों के खाने से रोग नहीं आते हैं। अब गर्म पदार्थ कोई ग्रीष्म ऋतु में तो नहीं खाएगा ना, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसमें लिख देना चाहिए शरद ऋतु। शरद ऋतु में स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्म पदार्थ खाने से रोग नहीं आते हैं। अब है प्रश्न निर्माण। अब स्थूल पदों को आधारित करके हमने प्रश्न निर्माण करना है। षड् वृक्षेषु कोकिला सर्वे जना वृक्षेभ्य। तो प्रश्न निर्माण आपको आता ही है, षड् संख्यावाची शब्द है इसलिए क्या आ जाएगा, छह धातुएं, कितनी धातुएं हैं तो कति आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम षड् के स्थान पर, कति, भारते, कति ऋत्वः भवन्ति, अंत में प्रश्न चिन्ह। वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन है तो केषु, केषु नवपत्राणि आगच्छन्ति। जिनको अभी भी प्रश्न निर्माण में कठिनाई आती है वो संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आम्र वृक्षेषु कोकिला कूजन्ति, कोकिला स्त्रीलिंग है, प्रथमा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, का, के, का। आम्र वृक्षेषु का विसर्ग के साथ कूजंती, अंत में प्रश्न चिन्ह। सर्वे जना स्वस्था भवंती, सब लोग स्वस्थ रहते हैं, कौन स्वस्थ रहते हैं, के। सर्वे जना पुलिंग प्रथमा बहुवचन है, के स्वस्था भवंती। वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, केभ्य। पंचमी है ये, केभ्य पत्राणि पतन्ति, किन से पत्ते गिरते हैं, अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, विविध वर्णा डैश इतस्ततः उत्पतंती, विभिन्न रंगों की तितलियां इधर उधर उड़ती हैं, अर्थात तितलिका। बहुवचन है विविध वर्णा तो तितलिका भी बहुवचन। विसर्ग आ जाएगा, पवन डैश वहती, पवन धीरे धीरे बहती है, पवनम पवन मंदम मंदम वहती। चतुर्षु डैश हरितिमा भावती, चारों दिशाओं में दिक्षु। अब यहां पर विशेषण विशेष्य है इसलिए सप्तमी ये है, सप्तमी बहुवचन ये भी है। शरद ऋतु, शरद ऋतु में दिन छोटा लघु और रात्रि या रात दीर्घा बड़ी होती है। उष्णतया डैश संहारा भवति, गर्मी से कीटों का नाश होता है, कीटानाम। अगला प्रश्न है उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान करो। ये विशेषण पद हैं, ये विशेष्य हैं। ये आप वैसे जब
पाठ पढ़ाया था उसमें अधिकतर कर लिए होंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्यप्रद। अब स्वास्थ्यप्रद क्या होता है? समय होता है, तो स्वास्थ्यप्रद समय। षड् ऋत्वः, शस्य श्यामला, फसलों से हरी भरी। अब प्रकृति तो प्रकृति होती है रमणीय, परंतु फसलों से हरी भरी तो पृथ्वी होती है। तो हमारे पाठ में आया है फसलों से हरी भरी पृथ्वी, तो वो पृथ्वी क्या होगा? आप वसुधा लिख सकते हो, पृथ्वी लिख सकते हो, वो लिखना चाहिए हमें, वसुधा आना चाहिए यहाँ पर। जब हम यहाँ वसुधा लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ग भाग। चित्र विचित्राणि पुष्पाणि, रंग बिरंगे फूल। चतुर्षु दिक्षु, चारों दिशाएं, चारों दिशाओं में सप्तमी है। उष्णा सूर्य किरणा, गर्म सूर्य की किरणें। एक बार दोबारा से लिखेंगे और साथ साथ समझेंगे। स्वास्थ्यप्रद सम्य, विशेषण विशेष है तो पुलिंग है, प्रथमा है, एकवचन है। तो ये हेमंत ऋतु की बात हो रही है कि हेमंत ऋतु में स्वास्थ्यप्रद समय होता है। आगे है षड्, षड् ऋतवः। भारत में छह ऋतुएं हैं, ये भी विशेषण विशेष है, संख्यावाची विशेषण है। शस्य श्यामला, पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी का ही समानार्थक शब्द है, तो शस्य श्यामला वसुधा। चित्र विचित्राणि, रंग बिरंगे पुष्पाणि, फूल। चतुर्षु दिक्षु, चारों दिशाओं में। उष्णा, गर्म सूर्य की किरणें, सूर्य किरणाम, स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। आगे है कार्यस्य लक्षणं ज्ञात्वा समक्षम ऋतो नाम लिखत। कार्य का लक्षण जानकर उसके सामने ऋतु का नाम लिखो। अब पहला है शुष्क पादपेषु पत्रेषु च प्राण संचार भवति। सूखे पत्तों और पौधों में, पादप होते पौधे, पत्र होते पत्ते, सूखे पौधों और पत्तों में प्राण संचार होता है। कब होता है ये? वर्षा ऋतु में। तो लिख देंगे हम ऋतु का नाम, वर्षा ऋतु। दिवस न्यून रात्रि च दीर्घ भवति। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। ये कौन सी ऋतु में होता है? शरद ऋतु। सर्वत्र चित्र विचित्राणि पुष्पाणि विकसन्ति, सब जगह रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। ये होता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में सारी जगह फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। दिशा धवला उज्ज्वला च भवन्ति, सब दिशाएं धवल श्वेत और उज्ज्वल होती हैं शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु। इसके अतिरिक्त
आपका अभ्यास कार्य तो यहीं समाप्त हो गया, परंतु कुछ चीज़ें आपको और भी आनी चाहिए कि वसंत ऋतु कब होती है, ये भी पता होना चाहिए। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में होती है और भारतीय महीनों के नाम इस समय होता है चैत्र वैशाख, और ग्रीष्म ऋतु होती है मई जून में, जो भी अभी गई है ज्येष्ठ आषाढ़ भारतीय मास हैं, और वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में होती है, श्रावण और भाद्रपद भारतीय मासों के नाम हैं। इंग्लिश में इसको रेनी सीजन कहा जाता है। शरद ऋतु की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में होती है, भारतीय मास होते हैं अश्विन कार्तिक, इसको बोला जाता है ऑटम विंटर। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में, विंटर सीजन कहते हैं इसको, और भारतीय मास होते हैं उस समय मार्गशीर्ष और पौष। शिशिर ऋतु होती है जनवरी फरवरी में, माघ फाल्गुन मास में, और इस मौसम को कहते हैं इंग्लिश में एक्सट्रीम विंटर। तो अब आपको छः ऋतुएं पता चल गई, कौन कौन सी छः ऋतुएं होती हैं और कौन कौन से मासों में होती हैं, भारतीय महीनों के नाम भी पता चल गए होंगे। अभी भी अगर आपको कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।